पांच ऐसे लोग जिन्हें एप्पल साइडर विनेगर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पहले है क्रोनिक किडनी पेशेंट, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर लेने के बाद डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस चालू होती है और उसका प्रेशर किडनी पे आ सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर, इसका डेटा ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत कम है और कोई डॉक्टर भी रिस्क लेना नहीं चाहता है, इसलिए सारे सप्लीमेंट्स डॉक्टर बंद करते हैं जब भी आप लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन रहेंगे तो, इंक्लूडिंग एप्पल साइडर विनेगर। चौथा है गैस्ट्रिक अल्सर, जिनको अल्सर की बीमारी है। एक्चुअली मैं जब मेरे पेशेंट्स को दिया दिया था तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसकी वजह से अल्सर होता है, इसको वो डायरेक्टली मारता है, लेकिन कुछ ऐसे अल्सर पेशेंट्स में उसकी कंडीशन वर्स्ट हो सकती है। तो एक दो दिन आप ले लीजिए, अगर आपको तकलीफ होता है तो आप तुरंत बंद कर सकते हैं। और पांचवा है किड्स बिलो 5, बच्चे जो है 5 साल के कम उम्र के, उनके ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए रहते हैं, तो उनको भी ये नहीं लेना चाहिए।